गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप थोड़ी पी एस टेट की तैयारी बहुत ही जल्दी पई होएगी। अज आप परसेंटेज चैप्टर का पार्ट टू कर लगे हाँ। इस तो पहला परसेंटेज चैप्टर का पार्ट वन किया आप जिसे इंट्रोडक्शन दी सी मैं परसेंटेज की, जो तुम वह भीडियो जाके नहीं देखी तो जरूर देखियो, तो फिर थोड़ा बेसिक चीज़ा सारिया समझ लग जाएगियाँ। तो अज आप पार्ट टू कर लगे हाँ, नवे टाइप के क्वेश्चन आंसर करा आप इनक्रीज डिक्रीज वाले। तो मैं थोड़ी जी गल दस देना चाहना शुरू करने तो पहला, इस तो पहला मैं थोड़ा परसेंटेज का मतलब दसा कि होंगे बटा सौ, मतलब किसी चीज़ के बटा सौ कर दी उन्होंने परसेंटेज बोलते हैं। पर इतने एक गल समझ वाली एक होर आ, जे किसी भी नंबर के नाल परसेंटेज लगी है ता ही आप बटा सौ करना, ये कन्फ्यूजन ना हो किसी बच्चे दे विच, क्योंकि कई बार हम जिवें आप किसी के परसेंटेज चैक करते हैं, जिवें हम मान लो पी एस टी का पेपर होगा 150 नंबर का, उसके विच थोड़े जे मान लो 120 नंबर आउणगे, मैं उम्मीद करता भी थोड़े 120 तो उत्ते ही आउण, तो इतने हम जो इन कैलकुलेट करा तो किवें करा 120 बटा 150 गुणा 100, कटिंग कुटिंग करके इतने 4/5 आएगा, तो इन सॉल्व करके 80% बनेगा। हुण इतने तो आप गुणा किया 100 नाल, तो इतने एक गल समझ वाली है, जो परसेंटेज तो आप बाहर आना, मतलब आहली परसेंटेज तो आप सिंपल नंबर के उत्ते आना, तो उन की करते आप बटा सौ करते हैं, डिवाइड सौ ना करते हैं, जो आप परसेंटेज के विच आना हो तो उदो गुणा करते हैं। एक गल अपने दिमाग बिठानी है, जो परसेंटेज तो बाहर आना आप सिंपल फ्रैक्शन या सिंपल नंबर के आना, उत्थे आप परसेंटेज नाल बटा सौ करते हैं, क्योंकि जिते परसेंटेज उत्थे क्या जो बटा सौ, तो जिते परसेंटेज लिया आप परसेंटेज फाइंड आउट करना उत्थे गुणा सौ करते हैं। आह फर्क तुसी याद रखना बस। हुण आपां अज दे क्वेश्चन आंसर ते चलते हैं, किस टाइप के पेपर के आ सकते हैं क्वेश्चन। तो जिवें आह क्वेश्चन आ, अ फैक्टरी प्रोड्यूस 4000 आइटम्स इन अ वीक, एक हफ्ते 4000 आइटम बनाती है एक फैक्टरी। टू फुलफिल द मार्केट डिमांड द आउटपुट मस्ट बी इनक्रीज बाय 23%। तो वह कहें एक कंपनी 4000 बना रही थी प्रोडक्ट, मार्केट डिमांड वधन नाल उन्हों की करना पवेगा 23% आपकी प्रोडक्शन नू वधाउणा पवेगा, तो फिर वह किन्ने जिहड़े ने आइटम प्रोड्यूस करूगी नैक्सट वीक। तो पहला तो आप सीधी सीधी गल आ, 23% सीगा परसेंटेज हटा के गुणा बटा सौ कर देंगे, तो उन्होंने गुणा कर देंगे 4000 नाल। जो इस चीज़ की कटिंग करके आपां मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को आंसर की आऊगा 920। तो हुण ये 920 की आ गया, यदा 23% आ गया 4000 का। हुण यही 23% वध रहा कि जिन्नियां आइटम प्रोड्यूस हो रही सी, किन्नियां हो रही सी 4000 हो रही सी, ये 920 आप कर देंगे ऐड कर देंगे, तो अपने को ऑप्शन बी जी इतने ऑबटेन हो जाऊ सही करैक्ट ऑप्शन के फॉर्म। तो यह क्वेश्चन किवें करना है, पहले इनक्रीज डिक्रीज सिंपल मैं तुम्हें दसदा, वो सिंपल परसेंटेज कढ़ो तो उन्होंने इनक्रीज कर लो, यह तो हो गया बेसिक। इस तो बाद हम क्वेश्चन होर किस तरीके दे बन सकते हैं, जिवें आह क्वेश्चन आ, अ नंबर इनक्रीज बाय 62.5% गिवस 78, मतलब हम जे नंबर नूं आपां 62.5% इनक्रीज कर दें तो वह 78 बन जाता। हुण आपां नूं कहड़ा पता नंबर की हैगा, तो उत्थे आपां एक्स मान लैंदे हां। हुण क्वेश्चन दे नाल चलांगे आपां, नंबर इनक्रीज बाय, हुण आह नंबर नूं इनक्रीज करी जांदा मैं 62.5%, कदा इसे नंबर का ही होगा ना, तो वह भी गुणा एक्स लिख लाँगे आप, कदे बराबर होगा 78 हो जू। ये क्वेश्चन ध्यान ना समझो तुम, उन्होंने कहा नंबर जोड़ा इनक्रीज़ करी जाता 62.5% उस नंबर का, 62.5% आपके ही इनक्रीज करूँगा ना, तो करके मैं इतने किया 62.5% गुणा एक्स के नाल। हुण इहदी एक एग्जाम्पल चकदे हां, पहला छोटी जी, मान लो किसी चीज़ की कीमत अज 100 रुपए आ, हुण दुकानदार कहिंदा मैं इहनूं 20% वधा देना, 100 का 20% की होंदा 20 हुंदा ना, तो वह 100 की हो जू 20 नाल इनक्रीज़ होकर 120 बन जूगा। तो इतने जो परसेंटेज का भी हिसाब ला के चलीए तो आप उस ही ऐड करते हैं, हम आह 20% कि इनक्रीज़ होया, आह 100 का ही होया ना, उवें इतने जो 62% इनक्रीज़ होगा आह एक्स का ही होगा, तो एक इक्वेशन टाइप बन जूगी ये, तो इन सॉल्व करा, जे तुम बिल्कुल बेसिक तो सॉल्व करना तो उवें भी कर सकते हो, पॉइंट 5 की जी थले 10 लग जूगा, तो आप परसेंटेज का तो 100 लगना ही लगना। तो हुण इहनूं कटिंग कुटिंग करके देखांगे आपां, इहदी वैसे सीधी कटिंग 25 दे टेबल ते वी हुंदी पई आ, ते फिर 5 दे उत्ते हो जांदी आ, तां 5/8 आ जांदा, 5 इहदी इक्वेशन की बनदी पई आ फिर, एक्स प्लस 5/8x बराबर 78। हुण जे तुसीं एलसीएम वाली वीडियो देखियो तुहानूं पता एलसीएम किवें करदे आ आपां, थल्ले 8 आ जू, हुण पहलां आपां डिवाइड करांगे 1 नाल, 8 बचू ते जिहड़ा आंसर उहनूं मल्टीप्लाई कर दिंदे हुंदे उपर, तां 8x प्लस 5x बराबर 78। आह 8 जाके की हो जूगा गुणा हो जूगा 78 दे नाल, तां इत्थे की बन जूगा 624। तो इक्वेशन की बनी आ, 8x प्लस 5x बराबर 624, 8 5 किन्ने होंदे 13 होंदे आ, 13x बराबर
624, फिर एक्स की वैल्यू कढ़नी आपां 624 नाल की जो 13 इत्थे डिवाइड हो जू। हुण जे तुहानू 13 का टेबल आउंदा तुसीं ईजीली दस सकते हो यह कटिंग हुंदी पई है इहदी 48 दे उत्ते। तां इत्थों आपां फाइंड आउट करांगे अपना आंसर की आजू सही 48। ऑप्शन दे विच चैक करिए तां बी ऑप्शन जिहड़ी इत्थे करैक्ट बनदी पई है। तां इस तरीके नाल सोल्व करना आपां इदां दे क्वेश्चनस नूं। पहला सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना भी किनू इनक्रीज़ करना कि जी पता करनी सी उही इनक्रीज़ उस होगी, फिर इस इक्वेशन नू इस तरीके सॉल्व कर लेंगे आप। आई होप थोनू यह क्वेश्चन समझ लग गया होगा। हुण इस नाल दा क्वेश्चन करते हैं आप, आ नंबर डिक्रीज़, हुण उही नंबर की डिक्रीज़ हो जाता, डिक्रीज़ हो जाता मतलब इतने की जो घट घटा देंगे आप 31% आ उस नंबर का, तो 31% गुणा एक्स बराबर 552। हुण सेम उही फंडा अप्लाई करांगे इतने 31/100, हम इतने पॉइंट पॉइंट वाला चक्कर ही नहीं कोई, तो सीधा लिख देंगे आप 31/100 गुणा एक्स, यदा एलसीएम करांगे बटा एक ला के, तो इतने क्या जो 100 माइनस 31x, 100x माइनस 31x बराबर 552। आ 100 इधर आके गुणा आजू 52 नाल, 552 नाल तो 00 लग जाएगियाँ। हुण 100 विचों जो 31 माइनस करांगे आप अपने को बचूगा जी 69x, तो 69x जिहड़ा बचा अपने को बराबर लिखांगे 552 00 दे, एक्स की वैल्यू जी आऊगी वह कितनी आजूगी 55520 बटा 69। तो फिर इन कटिंग करके की बनेगा 69 के टेबल के हिसाब से लिखांगे आप गुणा करके, तो यह पहला 8 के उत्ते जाऊगा 552, 69 जो 8 से गुणा करांगे की आजू 552, तो पिछले 2 जीरो लग जाएगियाँ, तो इतने 800 जो अपना करैक्ट ऑप्शन आऊगी ऑप्शन ए। तो आई होप थोड़ा यह भी क्वेश्चन समझ लग गया होगा भी किवें सॉल्व करना है। आप अगे चलते जी आप नैक्सट क्वेश्चन के उत्ते। हुण क्वेश्चन की कहता पाया, इफ 50% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 100 द रिजल्ट इज़ द नंबर इट सैल्फ दैन द नंबर इज़। हुण वो कहिंदे पए आ भी जे मान लो 50% आ किसी नंबर का, किसी भी नंबर का 50% आदू आप 100 नाल ऐड कर दिए तो उ नंबर आप दोबारा उही बन जाए जिहड़ा कि नंबर सीगा। हुण आपां नंबर तो पता ही नहीं गए, तो इतने नंबर आप एक्स सिलेक्ट कर लें। क्वेश्चन यही कहता पाया ना 50% ऑफ अ नंबर, 50% किसी नंबर का जिहड़ा कि आप एक्स मनिया, जो 100 ऐड करांगे आप उही नंबर दुबारा मिल जू आप जिहड़ा आप मनिया सीगा। तो यही क्वेश्चन इस तरीके बना लेनी आप, फिर उन्होंने सॉल्व करांगे आप 50% अपन पता ही आ 50/100 सीधा 1/2 होंदा, तो इतने हो रहा जी गल x/2 + 100 = x। हुण एक पासे एक्स वाले ले जाएंगे तो x - x/2 = की आजूगा 100 दे। तो इनू सॉल्व करांगे आप एलसीएम नाल उवें तो की आजू 2x - x/2 = 100, दो उपर जाके मल्टीप्लाई हो जू 100 नाल, तो इतने की बन जूगा 200 = 2x - x, मतलब एक्स की वैल्यू की आ जी इतने 200 आ जूगी। तो ऑप्शन ए जी वो अपनी इतने करैक्ट ऑप्शन बन जूगी। हुण यही सी अज के क्वेश्चन आंसर। आई होप थोनू इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। ये सैकेंड टाइप सी परसेंटेज की, इस तो बाद आप नैक्सट पार्ट भी लेके आवेंगे यदा। जो थोड़ू यह भीडियो पसंद आई हो समझ लगी हो इनू लाइक करो, चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लियो। मिलते आप एक नवी वीडियो के नाल। टिल देन स्टे सेफ एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।